एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। तो दोस्तों आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे प्रवीण भैया है हमारे साथ। तो अगर बात करें आज तो बेसिकली शिवम इज नॉट कमिंग, शिवम इज गोइंग आउट ऑफ एंड इज नॉट कमिंग, तो उसकी जगह निभाएंगे डिंपल भैया। तो दोस्तों और ये मेरी टूटी फूटी ये जो इंग्लिश बोल रहा है ना, इंग्लिश का मतलब ये है कि एक अच्छी सी फिल्म के ट्रेलर आया है और फिल्म का नाम है अंग्रेजी मीडियम, जिसमें कि इरफान खान को आप देख पाओगे उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा है कि कौन सी फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, आगे बताओ। और दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इरफान खान ने बहुत ही लंबे अरसे बाद बॉलीवुड में फिर से कमबैक किया है। तो दोस्तों पहले आते हैं ट्रेलर पे, फिर हम बात करेंगे ट्रेलर के बारे में। एंड नाउ इट्स टाइम टू फेलिसिटेट तारिका बंसल। गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल मैडम, डियर स्टूडेंट, डियर on top of me. Inside I'm very emotional and outside I'm very happy for my bitiya Kavi. Bas atri angrezi aave hame. घसीटे राम कदे ना बन सकता तू, क्योंकि घसीटे राम सिर्फ नहीं। आपने मीटिंग के लिए बोला, हमने बुला ली, अब यू बोला आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। चखना डिस्कस करने दे, तो दारू डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ के फीस का आइडिया है? चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा। खून का तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है और लंदन के कॉलेज की फीस एक करोड़। एक करोड़? एक करोड़। एक करोड़ फॉरेन कोटा तो पूरा हो चुका है। कोई और तरीका? ये सीट्स तो है बट ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन। काम क्या है तुम्हारा? मैं थोड़ा सा पुलिस वाले को कभी उंगली नहीं करना चाहिए, पुलिस वाले हमारे ऐसे उंगली करेंगे, कभी नहीं सोचा हुआ यार। एक हफ्ते में पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सीट किसी और के दे देंगे। सूरज जैसे चमकेंगे, देखे है साथी अखियां ने है सपने। कहां से लाएगा इतने पैसे? 3 करोड़ की तो अपनी औकात नहीं। मुझे लगा आप समझते थे मेरे सपनों को, समझ पाती तारीख ऐसा मन। आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। पर जहाँ तक मारी बेटी का सवाल है, वह तो तुरफोड यूनिवर्सिटी जाके रही, नहीं तो मैं घसीटे राम टोटर मर को पड़ पोतो नहीं। तो दोस्तों ट्रेलर देख के तो बहुत बढ़िया लगा, और इस ट्रेलर में अगर आप सभी से बात करें तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि अपने बच्चे के लिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसकी खुशी के लिए बाप क्या नहीं कुछ करना चाहता। उसमें देखो इतना बढ़िया से इरफान खान बोल रहे हैं कि अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मैं अपना खून तक बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी का पढ़ाई जरूर करवाऊंगा। तो इसलिए आप भी सोच सकते हो कि आपके माँ बाप या फिर हमारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते। बहुत बढ़िया लगा, ये ट्रेलर इतना बढ़िया बनाया है, इतना बढ़िया ट्रेलर है ये कि आप लोग देखोगे ना, परिवार के साथ देखोगे और भी मजा आएगा। इरफान खान ने बहुत ही लंबे अरसे बाद बॉलीवुड में फिर से एक बार कदम रखा गया है और बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं वो। तो दोस्तों इस फिल्म में आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से इरफान खान जो है वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी बेटी के स्कूल जाते हैं, वहां पे उनको बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है, वहां पे बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश, मुझे भी नहीं आती।
थोड़ी बहुत आती है टूटी फूटी, जैसा कि इरफान खान जी बोल रहे। लेकिन दोस्त हैंड्स ऑफ इरफान खान जी के लिए, उन्होंने अपनी हिंदी लैंग्वेज छोड़ी नहीं, अपनी हिंदी लैंग्वेज को बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, बहुत ही बढ़िया। और अगर बात करें इरफान खान के साथ राधिका मदन, राधिका मदन भी लीड किरदार में हमें दिखाई देगी इस मूवी में। इससे पहले हमने राधिका मदन को देखा गया था, एक सीरियल आता था, एक सीरियल आता था, उसमें राधिका मदन को देखा गया था। हमारी तुम्हारी क्या, हमारी तुम्हारी नहीं, मेरी आशिकी तुमसे ही, मेरी आशिकी तुमसे ही। और अगर बात करें राधिका मदन के बारे में, विशाल भारद्वाज की मूवी पटाखा में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम, बहुत बढ़िया किरदार था उनका, एकदम बढ़िया किरदार था, वो भी देख के मूवी अच्छी लगी थी। लेकिन ये भी मूवी और भी बढ़िया मिलने वाली है आपको, 20 मार्च को ये रिलीज हो रही है, 20 मार्च 2020, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है, अगर इसकी फिल्म की शूटिंग की बात करें थोड़ा सा, तो फिल्म की शूटिंग की अगर बात करते हैं, उदयपुर जो है वो इरफान खान का एक तरीके से ना जन्मस्थली कह सकते हो आप, क्योंकि वो कहां पैदा हुए थे, जयपुर में पैदा हुए, बगल में ही उदयपुर है। तो राजस्थान का एक छोटा सा शहर है उदयपुर, जहां पे इस फिल्म की शूटिंग हुई है, और ये जयपुर में पैदा हुए थे, तो उनका एक घरेलू शूटिंग का एक तरीका कह सकते हो, वहां पे और भी कंफर्टेबल रहे होंगे। और बाकी कहां हुआ था, इंडिया के बाहर, कहां, लंदन। लंदन में, तो मतलब देसी तड़का और अंग्रेजी तड़का पूरी तरीके से इस मूवी में दिखाई देगा गाइस। सो हैंड्स ऑफ होमी अदजानिया को। अगर हम रिटर्न बात करें तो इस फिल्म के बारे में, अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम का सीक्वल है, जो कि 2018 में आ गया था। बिल्कुल, तो जैसा कि आप सभी ने ये देखा कि एक बड़ी बीमारी के बाद बहुत बढ़िया तरीके से कमबैक किया इरफान खान ने, और उसके बाद करीना कपूर ने भी लंबे अरसे के बाद करीना कपूर ने भी इस फिल्म में एक साथ काम किया है इरफान खान के साथ। वो भी मतलब कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए फिल्म बनाए उनको। तो उसके बाद अब आप ये दोनों एक साथ दिखेंगे एक अच्छी फिल्म में, एक पारिवारिक फिल्म में, आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले खबरें भी ये आ रही थी गाइस कि करीना कपूर बहुत ही एक्साइटेड थी इरफान खान के साथ काम करने, मौका भी मिल गया उनको, मौका भी मिल गया। तो मैं आशा करूंगा गाइस ये मूवी बहुत ही बढ़िया ब्लॉकबस्टर कॉमेडी हिट मूवी होगी। हाँ, कॉमेडी के साथ साथ पारिवारिक भी है, पारिवारिक भी है, अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। तो आप लोग जाइए 20 मार्च 2020 को, ठीक है। तो आप लोग परिवार के साथ भी देखिए, अपने जैसे भी हैं आप, कपल हैं चाहे जो भी, देखना चाहते हैं तो जाइए देखिए, मजा आएगा आप लोगों को। लेकिन ये बता दीजिएगा जरूर कि हमारा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा, और इरफान खान की इस मूवी का रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और बाकी मैं पहली बार बैठा हूं, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉयज।